शाम की 7 बज रहे हैं अभी, तो 7 बजे डेली का ड्यूटी है। मोटर चलाना, पानी चेक करना, गंदा पानी आता है बहुत ज़्यादा, तो अगर थोड़ा सा भी चेक नहीं करो ना तो पूरा 500 लीटर की टैंकी है मेरी, वो सारा पानी गंदा हो जाता है। थोड़ी सी आलस कर जाओ तो बीच बीच में चेक भी करना होगा जो गंदा आ रहा है कि सही आ रहा है, ऐसे कर करके भरना पड़ता है डेली काम को, सूंघना पड़ता है बार बार मग्गा भर भर के, गंदा वंदा तो नहीं है, तो सही आ रहा है। बंद कर दिया टूटी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, आशा करती हूँ अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे। अभी आज है मंडे, मंडे की शाम की 7 बज रहे हैं, तो बच्चों को खाना है चिकन पुलाव, तो ठीक है चिकन पुलाव खाने के लिए इतना सारा ताम झाम जुगाड़ करना होगा, मतलब मैनेज करना होगा, तो चलो पहले ताम झाम को मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे और चिकन पुलाव बनाएंगे। तो मैं पहले एक बार चिकन पुलाव मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ मेरे चैनल में जो मेरे न्यू फ्रेंड आ रहे हैं उनको तो नहीं पता ना, तो चलो उनके लिए शेयर करते हैं। आप लोग भी देखना, जिनको देखने का मन करेगा तो लाइट पंखा कर देते नीचे की, अब आप चलते ऊपर। चलो ऊपर जाके पहले ताम झाम जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ मतलब बंगाली में कहते जुगाड़, जो भी कहते हिंदी में, चलो उसको करते। तो यहाँ पर प्याज बेरस्ता कर लिया मैंने, उठा लिया यहाँ पे, तो चिकन पुलाव बनाऊंगी। उसके लिए क्या क्या मसाला जाएगा इसमें, दालचीनी, स्टारफुल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, जावित्री, जायफल, सब कुछ दे दिया तेल में। दूंगी इसमें 1 चम्मच भर के, मतलब 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन की पेस्ट, इसको थोड़ा सा हल्का सा भून के इसमें डाल दूंगी। जो चिकन, इसको भी मैंने अभी फ्रिज में से निकाल के, मतलब थोड़ी देर पहले निकाल के रखा था, बर्फ बर्फ पिघल गया इसका, इसको काट के अच्छे से धो लिया। 1 किलो है इसमें, तो 1 किलो चिकन, 1 किलो पुलाव वाला चावल है। बच्चे को ना बिरयानी हो, चिकन पुलाव हो, उसमें से चिकन वो लोग कम खाते हैं, चावल खाते वो लोग, कहते मम्मी चावल ज़्यादा टेस्टी लगता है, चिकन कम मतलब कम डाला करो। तो मुझे भी बिरयानी का चिकन वगैरह मटन चिकन इतना अच्छा नहीं लगता, मैं भी बहुत कम खाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, 1 किलो में 1 किलो ही डाल रही हूँ। आप लोग ज़्यादा खाना चाहते हो तो ज़्यादा ही डालना। 1 चम्मच भर के जीरा क्या कहते हैं धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, और 1 चम्मच भर के डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर नहीं जाएगा इसमें। तो इसको अच्छे से भून लेते, उसके बाद बाकी जो मसाला पड़ेगा इसके अंदर वो बाद में दिखाती हूँ क्या क्या पड़ेगा। इसको थोड़ी देर भून लेते अच्छे से, तो चलो इसको मैंने आधा भून लिया, तो अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, सब अपने अपने टेस्ट के अनुसार डाल देना। नमक मैंने डाल दिया, और यहाँ पे हरा धनिया, पुदीना ये काट के रखा है मैंने, ये भी डाल दूंगी इसके अंदर, और ऑनियन जो मैंने फ्राई करके रखा था ये आधा डाल दूंगी, और आधा बाद में डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए। और ये हरा धनिया पुदीना ये डाल दिया इसके अंदर, ठीक है इसको हिला लेते, और भी मसाला जाएगा इसके अंदर जिसके बिना चिकन पुलाव अधूरा है, वो डालूंगी अभी। तो इसको हिला के, 4 आलू भी डाला है मैंने छोटा छोटा साइज का, क्रिश को आलू पसंद है, तो इसमें जाएगा क्या शाही बिरयानी मसाला
जिसमें पुलाव के साथ साथ बिरयानी की खुशबू आ जाए। एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला 10 रुपये वाला पैकेट है, एक बार में बहुत है। ये डाल दिया, इसको डालने से ना शाही मतलब बिरयानी की खुशबू बहुत अलग सी खुशबू आती है, बहुत अच्छी वाली खुशबू आती है जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं। वो डाल दूंगी, एक पैकेट 10 रुपये वाला दही, थोड़ा सा रख दूंगी दही जमाने के लिए। तो ये डाल दिया दही भी, इसको कम से कम 20 मिनट तक अच्छे से धीमे गैस पे पकाना है ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए। पहले तो 10 मिनट में पका ली इसको अच्छे से, और पकाने के बाद जो बाकी मसाला डाला है मैंने, और बाकी 20 मिनट कम से कम आधा घंटा लग जाता है चिकन पकाने में। तो यहाँ पे मेरा चिकन भुन चुका है, यहाँ पे ईशा लहसुन छील रही है। लहसुन और टमाटर की चटनी उसको पसंद है, तो मैंने कहा पहले लहसुन छील दो फिर चटनी बना दूंगी। क्रिश आया चॉकलेट लेके, एक दीदी को दे रहा है एक खुद ले रहा है। लेके तो आए थे 5, लेकिन कोई 2 ले रहा है कोई 3 ले रहा है, इस बीच में दोनों में झगड़ा हो गया। तो मैंने सारा छीन लिया था, फ्रिज में रख दिया, अब खा रहे तुम। चलो इस चिकन को अभी अलग बर्तन में उठा लेती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ वो देखो। पक चुका है चिकन बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको ऐसे मतलब आप लोगों को ऐसे ही खाना है तो ऐसे भी खा सकते हो रूखा रूखा, तो लेकिन मैं तो पुलाव के साथ पका रही हूँ ना, तो साइड कर रही हूँ उसको उठा के। उठा दिया, अब मैंने 1 किलो पुलाव वाला चावल है जो बंगाली में मतलब बंगाली चावल है वो, इसको कहते हैं गोविंदभोग चाल। तो मैंने इसको आधा घंटा पहले धो के पानी निचोड़ के रख दिया था, इसमें किसी तरीके से पानी नहीं होना चाहिए, सूखा सूखा होना चाहिए। तो खूब अच्छे से धोया, पानी निचोड़ के रखा। अब इसको इसी तेल मसाला में अच्छे से इसको फ्राई करना है, मतलब भून लेना है, जब तक इसमें से अलग से पुलाव वाला खुशबू ना आ जाए। इस चावल की एक खासियत है, इसको जितना ऐसे भूनोगे ना तेल में घी में तो उतना ही अच्छा खुशबू आएगा इसमें। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं, जब तक इसमें चटर पटर आवाज़ ना आना शुरू हो जाए तब तक भूनेंगे इसे धीमे गैस पे। तो चलो इसको भूनते हैं। तो यहाँ पे चावल मेरा भून चुका है, अब इसको अलग बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी पतीला में, क्योंकि कढ़ाई में तो आने से रहा है, आएगा नहीं कढ़ाई में, घुटा घुटा बन जाएगा। फिर यहाँ पे साइड में पतीला रखा है, मैं उसी में डाल रही हूँ, डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, ये लो डाल दिया मैंने पतीला में। अब कढ़ाई में जो लगा पड़ा है सिपका पड़ा है वो भी डाल देते इसके अंदर। डाल के मैंने उधर 3 गिलास चावल के लिए 6 गिलास पानी गरम करने के लिए रखा है, वो डाल दूंगी इसके अंदर। इस गिलास के 3 गिलास चावल ली हूँ और 6 गिलास पानी। 3 गिलास चावल के लिए 6 गिलास पानी बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, खिलता हुआ चावल बनेगा। तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी को गर्म करके ही डालना है। तेलो सारा पानी डाल दिया है मैंने, ये डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर इसमें जो चिकन मैंने फ्राइड करके रखी हूँ ना उसको इसमें डाल दूंगी। तो ये लो चावल आधा पक चुका है, इसमें अब डालूंगी वो पका हुआ चिकन। ये डाल दिया, एक बार ऐसे बना के खाना। ये वाला चावल नहीं मिले तो बासमती चावल से भी बना के खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। बस एक बार खाना, खा के मुझे कमेंट में बताना कैसी बनती है ये। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के धीमे गैस पे 2-4 मिनट के लिए पकने देते हैं, उसके बाद इसको लगाऊंगी दम। कैसे लगाऊंगी वो दिखाऊंगी। 4-5 हरी मिर्च साबुत ये डाल दिया, ये देखो 5 मिनट बाद बिल्कुल पानी सूख लिया चावल ने।
80% तो पक चुका है, बाकी 80% तो दम लगाऊंगी, उसी में पक जाएगा ये। तो दम पे लगाने से पहले कुछ कुछ सामान जाएगा इसमें, मतलब मसाला क्या जाएगा वो देखो। ये देखो थोड़ा सा जो बीच में होता है ना चावल पे पकने से पहले, थोड़ा सा छोटा सा दाना होता है वो है इसके अंदर। तो यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच भर के घी। पुलाव में अगर घी ना तो पुलाव किस बात की है। तो 1 चम्मच तो नहीं है, इसको पिघलाऊंगी तो कम से कम 3 चम्मच हो जाएगा। भरा हुआ चम्मच है ना, जमा हुआ घी है, 3 चम्मच 3-4 चम्मच तो आराम से हो जाएगा। तो डाल दिया घी, और जो बाकी तला हुआ प्याज बचा था वो भी डाल दूंगी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, थोड़ी खुशबू आएगी अच्छी। वो डाल दूंगी 1-2 ड्रॉप कैबड़ा एसेंस, ये डाल दूंगी। इससे होता है वो बाहर बाजारों वाला खुशबू आता है। मेरे बच्चों को कैबड़ा एसेंस का फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, किसी किसी को पसंद नहीं है तो मत डालना। तो इसको फॉइल पेपर से इसका मुँह ढक दूंगी। लो कवर कर दिया इसके मुंह। अब लगा दूंगी ढक्कन। ढक्कन लगा के तवा रख के 20 मिनट के लिए दम पे रखूंगी, ठीक है। चलो ये रख दिया। अब एक बड़ा सा मोटा वाला तवा रखूंगी दूसरे वाले चूल्हे में, अब दम पे लगा दूंगी इसे। क्रिश को तो रहा नहीं जा रहा है, बार बार आ रहा है मम्मी बन गया नहीं बन गया, ने कहा बेटा बनेगा अभी 20 मिनट और। तो बच्चे जैसे होते हैं, घर में कुछ बन रहा है उनकी मनपसंद का तो उनको तो रहा ही नहीं जाता, बार बार पूछते मम्मी बनाए कि नहीं बना, बनाए कि नहीं बना। तो बन रहा है, जब तक ये दम पे रहेगा मैं अपना बाद बाकी काम कर लूंगी। हेलो 20 मिनट दम पे रखा था, 10 मिनट वैसे ही छोड़ दिया था गैस बंद करके, बाकी काम था मेरा वो कर लिया। बर्तन वर्तन का ढेर जम गया था वो भी धो लिया। पता तो है ये सब चीज़ किचन में आओ बनाने तो कितना बर्तन हो जाता है फालतू फालतू, तो वो भी धो लिया मैंने। अब चलो इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो क्रिश कह रहा है मम्मी डिश आउट करने से पहले थोड़ा सा मुझे दे दो पहले, तो मैं क्रिश को पहले थोड़ा सा दे दूंगी, उसके बाद आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसे चिकन विकन खाएगा नहीं, वो लेग पीस तो खाता नहीं है, कि वो सॉलिड खाता है बिल्कुल, जिसमें कोई हड्डी नहीं हो कोई चर्बी नहीं हो वो खाता है। तो मैंने थोड़ा सा दे दिया उसको, मैंने कहा पहले खा लो शांति लो, फिर बाद में दिखते और क्या क्या सही है वो देती हूँ मैं। तो ये लो चिकन को मैंने डिश आउट कर दिया, लग रहा है ना डिलीशियस, ज़बरदस्त, खाने में भी उतना ही टेस्ट है। तो यहाँ पे ईशा जो लहसुन छील रही थी, तो टमाटर लहसुन की चटनी बनाऊंगी। 8-10 लहसुन की कलियाँ और 2 टमाटर यहाँ पे ले लिया मैंने, स्वाद अनुसार नमक 1/2 चम्मच से भी कम, और 1/2 चम्मच तो 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच क्या कहते हैं मिर्ची पाउडर, या देखे बिना पानी का, पानी यानी नहीं देना इसमें। अगर आप लोगों को पतला खाना चाहते हो तो पानी दो, ईशात को थोड़ा सा ऐसे ही थिकनेस पसंद है तो ऐसे ही पीस लिया मैंने। बिरयानी के साथ तो पुलाव बिरयानी कुछ भी खाती है तो ये वाली बिरयानी मतलब चटनी उसको चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों को दे दिया, खा लिया उन्होंने, मतलब खा रहा है अंदर, मैं बाहर आ गई टेबल पे आप लोगों से बात करने और खाने दिखाने। तो चलो वो लोग खा रहे अंदर, तो आज मैं थोड़ी सी बाहर आ गई टेबल पे, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करते दिखाते और खाते हैं, ठीक है आप लोग भी आ जाओ खा लो। बस मैं दिखा ही सकती हूँ, खिला तो सकती नहीं, खाने के लिए तो मेरे घर पे आना पड़ेगा। तो आ जाओ आप लोग, सारे एक साथ बैठ के खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। खूब सारा बनाया मैंने ये नहीं। तो ये देखो चिकन भी कितने अच्छी तरह से पक चुका है और खाने में भी ज़बरदस्त, चावल भी देखो कितना खिलता हुआ बना है, एकदम मस्त बना है। तो आप लोग भी ऐसे घर में बाओ बनाओ खाओ, बच्चों को खिलाओ और कमेंट में मुझे बताओ। तो और वीडियो आगे नहीं बढ़ाऊंगी, फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, ठीक है, टाटा बाय, क्योंकि अभी तो रात है।
तो गुड नाइट तो बोलना पड़ेगा, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल किसी नए वीडियो के साथ।